तो दोस्त इन फ्यूचर अगर आप लोग मोबाइल फ़ोन से लोन लेते हैं या फिर ऑलरेडी लोन आपने ले रखा है और लोन का ईएमआई अभी तक आपने पे नहीं किया है तो इस वीडियो को एंड तक देखना, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको किसी भी लोन का ईएमआई मोबाइल से पे करने का कंप्लीट प्रोसेस बताने वाला हूँ। आपको कहीं भी जाने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप घर बैठे ही अपने लोन का ईएमआई पे कर सकते हैं। तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाली है, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। और अगर आप मेरे को पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को जरूर दबा दीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले आप लोग एक बार इस चैनल को विजिट कीजिए, सुमित टॉपिक एवरीवेयर, लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि यहाँ पर आपको बैंकिंग से रिलेटेड और बैंकिंग ऐप से रिलेटेड साथ ही काफ़ी सारे डॉक्यूमेंट जैसे कि पैन कार्ड, आधार कार्ड, वोटर आईडी कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, ई श्रम कार्ड, इन सारे डॉक्यूमेंट से रिलेटेड यहाँ पर आपको वीडियो देखने को मिलेगी जो कि काफ़ी नॉलेजेबल होगी। क्योंकि आपको फ्यूचर में अगर किसी भी बैंक में खाता खोलना हो, केवाईसी करवाना हो, पैन कार्ड आधार कार्ड बनवाना हो या फिर उसमें कुछ त्रुटियाँ हैं उसे सुधार करना हो तो यहाँ पर आप वीडियो देख करके जानकारी ले सकते हैं और उसके बाद आप लोग सही तरीके से सारा प्रोसेस कर पाएंगे। सो एक बार आप लोग प्लीज़ यहाँ पर विजिट कीजिए, वीडियो को कम्प्लीट वॉच कीजिए, अच्छा लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा, अदरवाइज कोई प्रेशर नहीं है। बात करते हैं मेन पॉइंट की। दोस्तों अभी मैं आपको बताऊंगा कि आप किस तरीके से मोबाइल फ़ोन से किसी भी लोन का ईएमआई पे कर सकते हैं। वैसे अगर अभी तक आप लोगों को ये पता नहीं है कि मोबाइल से लोन कैसे लिया जाता है तो आई बटन में आपको लिंक मिल जाएगा, आप लोग देख लीजिएगा। उस वीडियो में पूरा प्रोसेस बताया गया है कि आप किस तरीके से घर बैठे ही मोबाइल फ़ोन से लोन ले सकते हैं, ठीक है। तो आई बटन में लिंक मिल जाएगा, चेक कर लीजिएगा। उसके बाद अब आपको ईएमआई कैसे पे करना है इसके रिगार्डिंग जानकारी दे देता हूँ। तो देखिए दोस्त, मैंने क्रेडिट बी के थ्रू लोन लिया था। आप हो सकता है नावी एप्लीकेशन के थ्रू या फिर किसी और माध्यम से मोबाइल फ़ोन से लोन लिया होगा। तो सबका प्रोसेस लगभग सेम है ईएमआई पे करने का। तो अभी मैं जो प्रोसेस आपको बताने वाला हूँ इसको आप स्टेप बाय स्टेप फॉलो कीजिएगा। तो देखिए यहाँ पर मैंने क्रेडिट बी एप्लीकेशन को ओपन कर लिया है। उसके बाद नीचे आ जाइए, यहाँ पर आपको काफ़ी सारे ऑप्शन दिखेंगे, होम, रीपेमेंट, ऑफर्स और अकाउंट का। तो आपको क्या करना है, रीपेमेंट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद नेक्स्ट पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पर देखिए आपने जितना लोन ले रखा होगा ऊपर में ही दिख जाएगा। उसके बाद आपको यहाँ पर फर्स्ट ईएमआई का डेट दिख जाएगा कि आपको पहला ईएमआई किस डेट को पे करना है, यहाँ पर आपको दिख जाएगा और सारा ईएमआई यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा। तो आप यहां पर देख सकते हैं कि किस किस डेट को आप कितना ईएमआई पे करने वाले हो। अगर आप एक बार में ही फुल पेमेंट करना चाहते हैं तो यहां पर फुल पेमेंट का भी ऑप्शन है और पे नाउ पर आपको क्लिक कर देना है अगर आप एक बार में ही करना चाहते हैं तो। लेकिन अगर आपके पास एक बार में उतने पैसे नहीं हैं तो आप ईएमआई भी पे कर सकते हैं। उसके लिए आपको करना क्या है, जैसे कि देखिए यहाँ पर आपको डेट दिखाया गया है, फर्स्ट ईएमआई आपको इस डेट को पे करना है तो मैं पहले ही इसको पे कर देता हूँ। उसके लिए आपको पे नाउ पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद नेक्स्ट पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पर देखिए टोटल पेएबल अमाउंट है इतना रुपया और आप यूपीआई के थ्रू, डेबिट कार्ड के थ्रू, नेट बैंकिंग के थ्रू और वॉलेट के थ्रू पेमेंट कर सकते हैं, ईएमआई पे कर सकते हैं। तो आपको क्या करना है, जैसे भी हो जिस भी माध्यम से हो आप सेलेक्ट कर लीजिए, जैसे कि मैं यूपीआई ही रहने देता हूँ। ओके देखिए मैं यूपीआई सेलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद पे विथ यूपीआई पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद नेक्स्ट पेज इस तरीके से आएगा। यहाँ पर आप अपना यू पी आई आई डी डाल दीजिए यहाँ पर, ठीक है, या फिर नीचे में तीन ऑप्शन दिया गया है, पेटीएम, गूगल पे, फोन पे। आप जिस भी माध्यम से पे करना चाहते हैं आप सिंपल उस पर क्लिक कर दीजिए। तो देखिए मैंने पेटीएम को सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद यहाँ पर आप पेटीएम एप्लीकेशन में रिडायरेक्ट हो जाएंगे। टोटल अमाउंट आप इतना पे कर रहे हैं वो भी क्रेडिट बी पेमेंट यहाँ पर आपको दिख जाएगा, क्रेडिट बी को आप कर रहे हैं। उसके बाद इस अकाउंट से आपका पैसा डेबिट होगा इतना, ये भी आपको दिख जाएगा। उसके बाद आपको करना क्या है, सिंपल पे वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको यूपीआई पिन इंपोर्ट कर देना है। यूपीआई पिन डालने के बाद आपको यहाँ पर कंफर्म कर देना है। कंफर्म करने के बाद देखिए ये प्रोसेसिंग लेगा और थोड़ा सा आपको वेट करना है। पेड सक्सेसफुली हो चुका है और देखिए यहाँ पर आपको मैसेज भी आ जाएगा, ठीक है ना, क्रेडिट भी को मिल चुका है ये रुपया, फर्स्ट ईएमआई पे हो चुका है। अब आपको ओके कर देना है। ओके करने के बाद आपका प्रोफाइल फेच किया जाएगा और उसके बाद देखिए यहाँ पर फिर से आपको रीपेमेंट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद नेक्स्ट पेज ओपन होगा और अब देखिए फर्स्ट आपने ईएमआई पे कर दिया है, उसके बाद सेकंड ईएमआई का डेट आपको यहाँ पर दिख रहा होगा, ओके, अगले माह का। तो इसी तरीके से आप फर्स्ट ईएमआई, सेकंड, थर्ड, फोर्थ जो भी है आप आसानी से पे कर पाएंगे। और अगर आप एक बार में पे करना चाहते हैं तो आप यहाँ पर पे नाउ पर क्लिक कर दीजिए और यहाँ पर देखिए फर्स्ट ईएमआई जो है मार्च वाला वो पेड हो चुका है, ठीक है ना।
और उसके बाद एक बार में ही अगर आप पे करना चाहते हैं फुल पेमेंट, तो आप पे नाउ पर क्लिक कीजिए। क्लिक करने के बाद यहाँ पर टोटल आपको दिखा दिया जाएगा कि कितना आपको पे करना है। देखिए कुछ इस तरीके से यहाँ पर आपको दिख जाएगा, फर्स्ट ईएमआई मैंने पे कर दिया, जिस वजह से यहाँ पर टोटल जो है पेमेंट कम हो चुका है। उसके बाद आपको नीचे में यहाँ पर पे पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद नेक्स्ट पेज ओपन उसी तरीके से हो जाएगा। अब यहाँ पर आप जिस भी माध्यम से पे करना चाहते हैं, इतना अमाउंट आप पे विथ यूपीआई के थ्रू या फिर किसी भी माध्यम से कर दीजिए। जैसे कि अगर आपको डेबिट कार्ड के थ्रू करना है तो आप डेबिट कार्ड सेलेक्ट कीजिए, पे विथ डेबिट कार्ड पर क्लिक कीजिए। क्लिक करने के बाद नेक्स्ट पेज ओपन हो जाएगा। ओके, अब यहाँ पर देखिए आपको अपना कार्ड नंबर डालना है, यहाँ पर कार्ड होल्डर्स नेम, उसके बाद कार्ड का मंथली ईयर एक्सपायरी मंथ ईयर डालिए, सीवीवी नंबर डालिए, उसके बाद पे नाउ पर क्लिक कर दीजिए। तो आपके डेबिट कार्ड से इतना रुपया डेबिट हो जाएगा और आप अपना फुल पेमेंट कर पाएंगे। तो इस तरीके से आप घर बैठे ही अगर आपने लोन ले रखा है तो आप किसी भी लोन का ईएमआई या फिर फुल पेमेंट कर सकते हैं। मुझे उम्मीद है अब आप लोग अच्छी तरह से समझ गए होंगे। इसके बावजूद भी अगर आपको किसी भी प्रकार की परेशानी आती है तो आप मुझे नीचे कमेंट कर दीजिएगा। तो आज बस इतना ही। सो आई होप फ्रेंड्स यह वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल हुई होगी। वीडियो अगर पसंद आई तो नीचे लाइक का बटन है, फटाफट क्लिक कर दीजिए और इस वीडियो को अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर जरूर कीजिए। तो फिर मिलता हूँ आपसे फिर से किसी नेक्स्ट प्लस इन्फॉर्मेटिव कंटेंट के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।